नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज डे खत्म हो चुका है और डे के बाद हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे, वो स्टॉक एनालिसिस करेंगे जो हमें दे सकते हैं 10 से 15% का मूव। यानी कि कहने का मतलब मेरा कि हम वो स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, यानी हम मोमेंटम को चेंज करेंगे और विद इन द मोमेंटम अगर हमें 15% 10% का मूवमेंट मिलता है तो हम उसको एग्जिट करेंगे। तो ये इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना के हम लोग कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। डिस्क्लेमर डालता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। आई होप दैट अभी तक तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा एक स्कैनर है और एज पर द स्कैनर कुछ स्टॉक्स मेरे सामने आए हुए हैं। तो इस स्टॉक्स में वॉल्यूम है वो काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स है और आज ये स्टॉक्स काफ़ी ऊपर के लेवल पे चढ़े हुए हैं। यानी कि इसमें किसमें 6 से लेके 17% तक का मूवमेंट इन स्टॉक्स में हमें मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक्स मिला है आरएमएल। तो मैं यहाँ पे आरएमएल आपको डाल के दिखाता हूँ। तो ये आरएमएल देखिए, इस स्टॉक्स में पहले से काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी। यानी कि इस स्टॉक्स को अगर आप यहाँ से होल्ड करते तो कुछ इसमें आप काफ़ी दमबाजी थी, लेकिन अभी इस स्टॉक्स को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा स्टॉक्स हिंदुस्तान कंपोजिट। तो ये हिंदुस्तान कंपोजिट मैं आपके सामने डाल देता हूँ। इसके अंदर भी देखिए, अपने डेली चार्ट के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं है। डेली चार्ट के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं है। तो स्टॉक्स में मोमेंटम है लेकिन कहीं ब्रेकआउट पर अपना स्टॉक्स नहीं आया हुआ है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तीसरा है प्राइम फोकस। इस प्राइम फोकस को भी देख लेते हैं। तो ये प्राइम फोकस है, तो ये भी देखिए स्टॉक्स, इसमें भी कोई अपने को ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तो अपन इसको डिनाई करेंगे। फोर्थ है मेरा फैक्ट, जो नेक्स्ट स्टॉक है मेरा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। तो इसमें ये देखिए, पहले से अपन को ब्रेकआउट दे चुका था, ये यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इस यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट किया और उसके बाद स्टॉक 409 से सीधा 462। लेकिन अब ये स्टॉक हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीएल। तो राने ब्रेक लीनिंग के अंदर ये देखिए, आपको क्लियर कट यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया। इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो इस स्टॉक्स में हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिया है तो मैं इसका एक बार वीकली भी देख लेता हूँ। तो कुछ वीकली मेरा इस तरीके से मेरे सामने है और फिर एक बार मैं इसका मंथली भी देख लेता हूँ। तो कुछ मंथली एनालिसिस मैं कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं चार्ट पे कुछ क्या होता है। कि देखिए, मंथली एनालिसिस के मेरे पास दो लेवल्स ऊपर के लेवल हैं। पहला 1450 का लेवल है, दूसरा लेवल है वो काफ़ी छोटा लेवल है जो कि ये वाला लेवल है, 1200 रुपये का लेवल है। और अभी स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो 830 रुपये से लगभग इसने ब्रेकआउट दिया है। नीचे से मंथली चार्ट पे ट्रेंड लाइन जाएगी, जो कि आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी और एक आपका ये वाला सपोर्ट रहेगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने मंथली चार्ट्स पे कुछ लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। तो अब इन लाइंस को ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि सारा का सारा जो काम रहेगा, सारा का सारा जो एनालिसिस रहेगी वो प्राइस सेक्शन पे रहेगी। अब प्राइस सेक्शन पे हम लोग बात करते हैं कि इस तरीके से हमने चार्ट की एनालिसिस करी है कि हम अभी जो चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लेवल देख रहे हैं, वो 800 रुपये से 1200 रुपये तक की जर्नी का ही लेवल देख रहे हैं। यानी अपन को ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ही अपन को ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है। तो मंथली चार्ट में कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने बन रहा है। तो ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं तो वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ मैं। तो ये मेरा वीकली चार्ट का कुछ इस तरीके का एनालिसिस है। इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी। और यहाँ मैं इन लाइनों को थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ। इस लाइन का तो ज़्यादा कोई मतलब है नहीं वीकली चार्ट में, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। लेकिन हमारा फिर भी इस तरीके का एक ट्रेड बन रहा है जो कि हमारा वीकली ट्रेड बन रहा है। अब वीकली ट्रेड हमारा कम्प्लीट होगा कब, जब हमारा वीक एंड हो जाएगा तब। तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये कन्फर्म ब्रेकआउट हमारा हो गया। लेकिन अभी इसके अंदर कोई भी वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, कैंडल कंप्लीट नहीं है। तो हम इसको एक बार यहाँ से पड़ा रहने देंगे और जब वीक कंप्लीट होता है तब हम दोबारा इसके अंदर
कुछ नई पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर हमारा क्लोजिंग यहाँ पे आ जाता है तो नियर अराउंड 830-835 मेरी एंट्री हो जाएगी इसमें। टारगेट मेरा 1200 रुपये का आराम से मिल जाएगा मेरे को। लेकिन अभी तो इसमें वीकली चार्ट में अपन एंट्री कर ही नहीं रहे हैं, तो हम एंट्री कहाँ करेंगे? तो हम एंट्री करेंगे डेली चार्ट पे। तो ये देखिए डेली चार्ट पे क्लियर कट आपके सामने, डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट आपके सामने ये एक ब्रेकआउट आया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट है। और अगर इसका वॉल्यूम अपन चेक करें तो कुछ वॉल्यूम भी इस तरीके का वॉल्यूम है, देखिए डिसेंट वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। वॉल्यूम के साथ ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, तो मैं ये मान सकता हूँ कि इस स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी अपन को काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो लेवल्स मैंने ऊपर का लेवल मैंने आपको दिखाई दिया है कि ये ऊपर का लेवल है, ये 1200 रुपये का लेवल बन रहा है, तो अपन 1200 रुपये के लेवल तक को ही चेज करेंगे फिलहाल। तो हम उसमें ट्रैकिंग क्वांटिटीज में डाल देते हैं, और ट्रैकिंग क्वांटिटी डालने के बाद अगर मेरा स्टॉक मुझे वीकली ब्रेकआउट भी देता है तो मैं इसमें फुल्ली एलोकेशन मेरा अपना कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए अभी तो फिलहाल अपन डेली के हिसाब से इसमें लेवल्स देखते हैं, मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स को हाइड कर देता हूँ। तो डेली हिसाब से मैं लेवल देखता हूँ उसमें, तो मेरा जो एंट्री लेवल है वो एंट्री लेवल नियर अराउंड 830 रुपये से 835 रुपये के बीच में मेरा एंट्री लेवल है। मेरा जो एंट्री लेवल 830 रुपये से 835 रुपये के बीच में मेरा एंट्री लेवल है, और उसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 770 रुपये का स्टॉप लॉस है, जो कि 780 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो मेरी यहाँ पे जो रिस्क है वो एक मिनिमाइज रिस्क है, मेरी यहाँ पे जो रिस्क है वो मिनिमाइज रिस्क है। परसेंटेज में अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो मेरी जो रिस्क है वो 6% की रिस्क ओनली फॉर द, मेरी जो रिस्क है वो 6% की रिस्क है। अगर मैं 6% की रिस्क लेके चलता हूँ और टारगेट में 1200 का लेके चलता हूँ, तो मेरा जो टारगेट है वो टोटल 45% का मेरे पास टारगेट आ जाता है। यानी अगर डेली लेवल के हिसाब से मेरा जो स्टॉक मेरे फेवर में रहता है तो मेरे को 45% गेन होने के चांसेस हैं, नो कि शॉर्टी चांसेस हैं। और अगर मेरा पलट जाता है स्टॉक मेरे फेवर में नहीं जाता है तो मेरा ऐसा लगता है तो मेरे 6% 6.5% का मेरे को अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट में स्टेकिंग क्वांटिटी डालता हूँ उस पर मेरे को लॉस हो जाएगा। और अगर ये स्टॉक वीकली के ऊपर भी ये ब्रेकआउट देता है तो सेम अपन को एज इट इज सेम लेवल अपन को यहीं पे देखने को मिलेंगे, इसकी सेम अपने 6.5% का रिस्क अपन को यहाँ पे मिल जाएगा और 45% का रिटर्न वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक बेहतरीन बेहतरीन रिस्क और रिवॉर्ड का एग्जांपल आपके सामने मैंने पेश किया है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और हाँ, इस वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ है, इसमें कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके की बाई और सेल रिकमेंडेशन करते हैं और लॉस प्रॉफिट के ही आप खुद जिम्मेदार होते हैं, या अन्यथा आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करके ही ट्रेड कर डालिएगा। ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है ये मेरा खुद का पर्सनल एनालिसिस है, तो मैं इसको इस तरीके से होल्ड करूँगा। तो यही करता हूँ अपने वीडियो को ख़त्म। तो अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।